हेलो, वेलकम टू लोली किचन। आई मेरे साथ में, आज मैं आपसे बहुत ही प्यारी और छोटी सी बात करने वाली हूँ, जो कि मैं बहुत टच होती हूँ ऐसी बात से। मेरा फील थोड़ा ऐसा है, आप सबको पता है कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। सबको सबसे प्यार करना चाहिए, कोई कितनी भी गलतियाँ कर ले तो भी उनसे प्यार वाला रखना चाहिए, फील रखना चाहिए। और मैं थोड़ी सी हेल्प भी करती हूँ लोगों की, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आप सबको करना चाहिए कि मुझे देख के आप लोग भी शायद मोटिवेट हो जाएं और दूसरों का ध्यान रखें। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, आप सब लोग मेरे से पूछते हैं कि आप आंटी हर समय हैप्पी क्यों रहते हैं, खुश क्यों रहते हैं। उसका एक ये बहुत बड़ा कारण है कि अगर हम दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो हम हमेशा हैप्पी रहते ही हैं। सेवा तन मन धन बहुत तरह की होती है, हर तरह की जो आप सेवा कर सके दूसरों की करनी चाहिए। आज मेरा बहुत ही ये मोमेंट बहुत ही फीलिंग वाला, बहुत ही प्यार वाला है, जो कि मैं इस दिवाली पे करने जा रही हूँ। मेरा एक रेया होप्स करके एक ग्रुप है, जो कि बच्चों की सेवा करते हैं, अनाथ आश्रम चलाते हैं। उस ग्रुप से मैं जुड़ी हुई हूँ, हमेशा जो भी हो सकता है कुछ ना कुछ उनके लिए, बच्चों के लिए करती हूँ। इस दिवाली पे मैंने प्रण किया था 6 महीने पहले ही कि मैं उन बच्चों के लिए उनको ड्रेसेस पहनाऊँगी, सबको न्यू ड्रेस दूँगी, कि पुराने तो उनको ढेर सारे सब देते हैं, मैं भी दे के आती हूँ, पैसे भी देती हूँ, चॉकलेट भी देती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ। इस बार मैंने सोचा कि मैं उनको नए कपड़े पहनाऊँगी। और पूरी जर्नी आप एंड तक वीडियो की देखिएगा कि मैं कैसे नाप लेने मेरे पर्सन दुकान वाले उनके पास में गए, उनके साइजेस लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं बहुत हैप्पी और खुश हूँ। मैं अभी, आप देखिए ये सारे कपड़े हैं, ये मेरे कैमरामैन दिखाइए, ये सब बच्चों के लिए न्यू ड्रेसेस पैक होके उनके नाम के साथ में, उनके देखिए हर एक के ऊपर स्टिकर उनके नाम का लगा हुआ है। ये कम से कम 50 बच्चे हैं, जो कि हर एज के छोटे बड़े, जो कि ये मैं पैकेट उनको देने वाली हूँ। और आज मेरे पर्सन, क्योंकि कोरोना के कारण मैं बाहर नहीं जाती, मेरे जो पर्सन है, मेरे मैनेजर, मेरे ड्राइवर जो भी हैं, वो या शॉप वाले खुद जाके उनके हाथ में देंगे और उनका वीडियो बनाएंगे, वो भी साथ में मैं अटैच करूँगी। जब नाप लेने गए थे वो भी है, तो आप प्यार से देखिए और मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि ये मैं सेवा कर सकूँ। और आपको भी अपने घरों में, अपने आसपास जो भी लोग हैं, जो बच्चे, अनाथ बच्चे या गरीब लोग, कोई भी ले लीजिए, किसी को कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको करनी है, प्यार से उनको खुशियाँ देनी है, तो आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। तो ये मेरा जो छोटा सा प्रोग्राम है, इसको आप प्यार से देखिए और समझिए इस फीलिंग को। और अपने एरिया में, अपने आसपास जो भी आपको कोई तकलीफ वाले या ऐसे लगते हैं जिनको आपकी हेल्प चाहिए, तो बड़े प्यार से उनकी हेल्प कीजिए और खुशियाँ लीजिए। ये है असली दिवाली, ये मेरा मानना है। अब बच्चे जब लेंगे, खुश होंगे, तो वो भी वीडियो आप अटैच करूँगी साथ में। आज मैंने आपको ये बताया कि मैं उनको कैसे हेल्प करने वाली हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर कीजिए कि मैं ऐसी ही उनकी हेल्प हमेशा करती हूँ। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, ये बच्चों की फ़ोटो भी दिखेंगी आपको और उनका थैंक यू वाला मैसेज भी दिखेगा। पूरा एंड तक वीडियो देख के मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको अच्छा लगा। तो आप भी ऐसा अपने जीवन में कार्य करते रहें तो हमेशा खुश रहेंगे। बाय बाय। Thank you, my auntie. God bless you. We love you. आज मेरा लकी डे आ गया, जो मैं आज बच्चों को
सब सामान देने के लिए भेज रही हूँ, और चॉकलेट की जगह ये मैं बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट पैक कर रही हूँ, क्योंकि अनाथ आश्रम वाले वो बोलते हैं जो संभालते हैं कि बच्चों को चॉकलेट नहीं देना है, तो स्वीट की जगह आप कुछ ड्राई फ्रूट या ये सब दीजिए, तो मैं उनके लिए पैक कर रही हूँ और कपड़ों के साथ में पैकेट ऐड करूँगी।